नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एसएसपी अनंत देव तिवारी के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित धरपकड़ अभियान के तहत सीओ जानसठ एसकेएस प्रताप मीरापुर कोतवाल अरविंद सिंह व क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश नितिन को किया ढेर। वहीं दरोगा मनोज चौधरी व सिपाही कुलवंत सिंह हुए घायल। ग्रामीणों ने एसएसपी को कंधे पर उठाकर लगाए जिंदाबाद के नारे। शासन के द्वारा चलाए जा रहे संपूर्ण समाधान दिवस में लखनऊ से आए प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने सुनी 86 फरियादों की शिकायतें, जिनमें से 10 समस्याओं का मौके पर ही कराया निस्तारण। वहीं 70 समस्याओं को सौंपा संबंधित अधिकारियों को। नगर में जन्माष्टमी का पर्व मना पड़े ही हर्षोल्लास के साथ, जहां नगर के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया, वहीं मंदिरों में सुंदर झांकियां भी लगाई गई, जिन्हें देखने के लिए नगरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी। शासन के द्वारा जिला प्रभारी बनाई गई प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला जिला प्रभारी बनने के बाद पहली बार पहुंची सदर तहसील, जहां उन्होंने बड़ी ही बारीकी से किया सदर तहसील का निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान खामियां पाई जाने पर अधिकारियों को क्लास लेते हुए सुधर जाने की दी हिदायत। इस दौरान जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी सहित सभी शासनिक अधिकारी रहे मौजूद। कांदला थाना क्षेत्र के कैराना रोड पर थाना अध्यक्ष उमेश रोरिया ने मुखबिर की सूचना पर मुकीम काला गैंग के सक्रिय सदस्य को चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल और लाखों रुपए की कीमत के नशीले पदार्थ के साथ किया गिरफ्तार। संपूर्ण समाधान दिवस में लखनऊ से आई प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने सदर तहसील में किया वृक्षारोपण। इस दौरान जिले के आला अधिकारी रहे मौजूद। दर दर की ठोकरें खाने के बाद विधवा बेसहारा सुनीता मित्तल ने लखनऊ से आई नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला से सदर तहसील निरीक्षण के दौरान लगाई सर छुपाने के लिए आचाने की गुहार। वही जानसठ क्षेत्र अधिकारी एसकेएस प्रताप के निर्देशन में थाना अध्यक्ष कमल सिंह चौहान ने 24 जून को गोकशी की घटना में लिप्त 3 अपराधियों पर एनएसए की कार्रवाई की है, जिसमें इनाम भूरा और कालू शामिल हैं। एसएसपी अनंत देव तिवारी ने पुलिस लाइन सभागार में दोनों मामलों की जानकारी उपलब्ध कराई। अपर परिवहन आयुक्त एवं अपर परिवहन आयुक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने एआरटीओ कार्यालय का किया निरीक्षण, जहां अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद प्रसन्नता जाहिर की। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर सामाजिक संस्था पैगाम इंसान द्वारा इस्लाम इंटर कॉलेज के मैदान में भाईचारा फुटबॉल मैच का किया आयोजन, देखने के लिए नगरवासियों की उमड़ी भारी भीड़। भोपाल रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में एबीवीपी द्वारा सांध्यकालीन कक्षाएं प्रारंभ करने की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। कृष्णापुरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर नन्हे मुन्ने बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया धूमधाम के साथ। कस्बा कांदला के मोहल्ला खैल में बने सरकारी अस्पताल के कमरों में फैली भयंकर गंदगी से परेशान कस्बेवासियों ने प्रदर्शन करते हुए डीएम शामली से समस्या के समाधान की मांग की। कंधों पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी को बैठाकर मुजफ्फरनगर पुलिस जिंदाबाद के इन ग्रामीणों की खुशी का कारण यह है कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने हत्या करने आ रहे 50,000 के इनामी बदमाश नितिन को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एक दरोगा और 2 सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के क्षेत्राधिकारी जानसठ सुनील कुमार सिंह प्रताप को सूचना मिली थी कि थाना मीरापुर क्षेत्र के गांव नगला के पड़की और कुछ बदमाश हत्या की घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। तुरंत सीओ जानसठ ने घेराबंदी कर जंगल में बाइक पर जा रहे 2 बदमाशों को घेर लिया। अपने आप को घेरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक दरोगा मनोज और 2 सिपाहियों को गोली लग गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और फायरिंग में 50,000 के इनामी बदमाश नितिन को गोली लग गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बदमाश फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने जंगल में कॉम्बिंग की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस ने बदमाशों से एक मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और एक देसी तमंचा भी बरामद किया है। आपको बता दें कि थाना मीरापुर क्षेत्र के नगला खेपड़ गांव में शामवीर की पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसमें शामवीर के भाई और पिता की पहले ही हत्या हो चुकी है और अब शामवीर की हत्या के इरादे से गाँव में बदमाश आ रहे थे। इस मुठभेड़ से गाँव में हर्ष की लहर है और ग्रामीण बार बार पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं। खेत पर सुबह काम करना आए थे मैं और मेरे बेटे, तो यहाँ जो है हम आए, हमने बदमाश देखे मोटरसाइकिल पर घूमते हुए, हम फिर वापसी चले गए। हमने जो है सूचना दी सीओ साहब ने फोन नहीं उठाया। दोबारा सीओ साहब का फोन आया, क्या बात है, मगर सर जो है यहाँ बदमाश है, एक बाइक काली बाइक है जो है बिना नंबर की। उन्होंने बोला मैं अभी पुलिस भेज रहा हूँ, तो जो है तुम ना जाना,
हम जो है पीछे गांव वाले, और हम जो है गांव वाले भी साथ आ गए। हम पीछे रहे, जब मुठभेड़ यहाँ गोली चली, हम गोली की आवाज़ सुन के यहाँ आए, तो यहाँ जो है मुठभेड़ हो चुकी थी। मुझे मानना आया था सर, मेरे पहले 2010 जून 2014 को भाई की हत्या कर दी थी फौजी की, और जो है फिर पिताजी वादी गवाह थे उसमें, शोभाराम आर्या जी। तो मैं 26 जनवरी को स्कूल से प्रोग्राम में से लौटते समय गांव की तरफ जाते हुए मेरे पिताजी की भी हत्या कर दी। और मेरे पे दो बार, दूसरी बार मेरे पे पहले एक बार हमला हो चुका है, दूसरी बार मेरे मुझे मारने आए थे। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, सब CO साहब, SO साहब और SPRA साहब और कप्तान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जान बचा ली और मेरे बच्चों की जान बचा ली सर। अरे जो है मुझे भी आज मार देते मेरे बच्चों को भी, पहले भी 3 हत्या कर चुके मेरे साले की और मेरे दो पिताजी और भाई की। ये जहाँ पर आप लोग खड़े हुए, ये थाना क्षेत्र का, मीरापुर थाना क्षेत्र का खेपड़ नगला गांव है, और यहाँ पर से एक श्यामवीर जी हैं, उनकी से यहाँ रंजिश हो रही है। उनके जो दुश्मन लोग हैं, इसके पहले भी उनके भाई और उनके पिता की हत्या कर चुके हैं। आज सुबह CO जानसर साहब को सूचना मिली कि यहाँ पर कुछ बदमाश देखे गए हैं और उनकी हत्या कर सकते हैं। इस सूचना पर इनकी एक टीम जो पहले से बनाई गई थी, वो टीम यहाँ पर आई, और वो टीम यहाँ पर अपने को छुपा कर लगी हुई थी कि अचानक सामने से आते हुए कुछ बदमाश मोटरसाइकिल में दिखाई दिए। उस पर उनको रोकने पर, स्टॉप करने पर, वो उन्होंने भागने का प्रयास किया। उनको पकड़ने के प्रयास में उन्होंने फायर किया, जिसमें हमारी पुलिस पार्टी घायल हुई। फिर इन्होंने बहादुरी का परिचय देते हुए उनको लगातार पीछा किया, और एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश यहाँ पे इंजर्ड हुआ, जिसको कि यहाँ पर से उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर वो डेड डिक्लेयर किया गया। दूसरे बदमाश के लिए कानूनी टीम यहाँ पर लगी रही, और काफ़ी यहाँ पर प्रयास किया गया, 2-3 टीमें लगी हुई लगातार। यहाँ पर कुछ गाँव वाले भी आ गए थे, उन लोगों ने भी पुलिस का अच्छा सहयोग किया, जिस पर कि और जब बात को वो बदमाश आइडेंटिफाई हुआ, तो मालूम पड़ा कि वो जनपद बुलंदशहर के अगौता थाने के एक पौसड़ा गाँव है, वहाँ पर था नितिन सनात चंद्र भान निकला, जिस पर कि 50,000 रुपये का पुरस्कार है। उस पर हत्या, लूट, डकैती के एक दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, जिसमें वांछित चल रहा था। फरार बदमाश भी हो सकता है घायल हो, क्योंकि उसके लगातार इधर ये रास्ते में जाते हुए जहाँ से भागा है, उन पर खून के निशान पाए गए। दो कांस्टेबल इंजर्ड है, और मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसकी यह नंबर की है, और 32 बोर का एक पिस्टल और 315 बोर का एक कंट्री मेड पिस्टल रिकवर किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा जिले के प्रभारी बनाए गए प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने तहसील में संपूर्ण तहसील दिवस में चंद समस्याएं सुनी। इस दौरान जिलाधिकारी, SSP सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार द्वारा जिले में प्रभारी के तौर पर IAS अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें मुजफ्फरनगर में प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिसके चलते बुधवार को प्रमुख सचिव परिवहन मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां उन्होंने सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने जन समस्याएं सुनी। इस दौरान जिलाधिकारी गौरीशंकर प्रियदर्शी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनंद देव तिवारी सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने कई जन समस्याएं सुनी, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया, जबकि अन्य समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी गलत रिपोर्टिंग न करें और पीड़ितों की समस्याओं का निस्तारण कराएं। आज तो संपूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग किया है, और यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। IGRS का भी देखा, सब कुछ देखा। कुछ एक दो केसेस आए जिसमें कि दोबारा तिबारा जो शिकायतकर्ता था या प्रार्थी था वो आया है, और उसमें फिर से दोबारा जांच करने के आदेश दे दिए हैं। और सबसे यही अपेक्षा की है कि ऐसा मौका ना दें कि किसी को दोबारा आना पड़े, संवेदनशीलता रखें और कोशिश करें कि सबको न्याय मिले और सबका जो भी काम है उसका समाधान हो। बहुत ही ज़्यादा मिली जुली शिकायतें थी, कोई हम ये नहीं कह सकते कि एक कोई भी एक तरह की शिकायत आई। टेल में पानी ना पहुँचने से कब्जे, ज़मीन पे कब्जे पे, या किसी जैसे महिला की, हमारे पति शराबी हैं और वो ज़मीन बेच रहे हैं और उनको कैसे रोका जाए, उसके लिए भी हम लोग कुछ एक नई पहल और नया प्रयास कोशिश कर रहे हैं कि फ्री लीगल एड उनको दिलाए जाए। एक NGO को भी, उन श्रीमती बीना शर्मा जी को भी बुलाया कि उनको किस तरह से अडॉप्ट किया जाए, और ये अपील सब जो बहुत प्रतिष्ठित यहाँ के वकील हैं, अधिवक्तागण हैं, उनसे ये होगी कि इस तरह के गरीब लोग
जो अपने आप नहीं केस लड़ सकते हैं, यदि उनको किसी तरह का एक एक दो दो लोगों की भी अगर जो बहुत प्रतिष्ठित वकील हैं वो उनका केस रखे तो शायद उनको न्याय मिल जाए। आपने अपने अधिकारियों का एवरेंट दिया संवेदनशीलता रखने के लिए और काम गहराई से करने के लिए और कभी भी गलत रिपोर्टिंग ना करने के लिए। नगर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां नगर के मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था, वहीं सुंदर झांकियां भी लगाई गई, जिन्हें देखने के लिए नगरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी। नगर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर नगर के सभी मंदिरों को झिलमिलाती लाइटों से सजाया गया था। वहीं सभी मंदिरों में भव्य झांकियां भी लगाई गई थी, जिन्हें देखने के लिए सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जहां सभी श्रद्धालुओं ने मंदिरों में सजाए गए श्री कृष्ण के पालने को झुलाया। रात्रि 12 बजे सभी मंदिरों में श्री कृष्ण की आरती कर भोग प्रसाद अर्पित किया गया। जन्माष्टमी के अवसर पर छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण और राधा के रूप में नजर आए। वहीं कई स्थानों पर दही हांडी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने ऊंची ऊंची मीनारें बनाकर हांडियां तोड़ी। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर सामाजिक संस्था पैगाम इंसानियत द्वारा इस्लामी इंटर कॉलेज के मैदान में भाईचारा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए नगरवासियों की भारी भीड़ लगी रही। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर आर्य समाज रोड स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज में सामाजिक संस्था पैगामे इंसानियत द्वारा भाईचारा फुटबॉल मैच आयोजित किया गया, जिसमें नगर की प्रसिद्ध फुटबॉल टीमों ने हिस्सा लिया। संस्था द्वारा आयोजित किए गए मैच को देखने के लिए नगर के संभ्रांत नागरिक भी शामिल हुए। संस्था के अध्यक्ष आसिफ राही ने कहा कि यह कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य खेल भावना को जागृत करना और आपसी भाईचारे को कायम करना है। पैगामे इंसानियत इसके आयोजक हैं। कल शाम उन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और आज दंगल एक फुटबॉल मैच एक थीम लेकर सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर फुटबॉल का एक मैच कराया जा रहा है, जो स्टेडियम 11 और चांद 11 के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में दोनों जो टीम हारे या जीते इसका मकसद नहीं है, मकसद एक सांप्रदायिक सौहार्द का दूर तक पैगाम पहुँचाना है। अभी अभी एक गोल चांद 11 ने किया है स्टेडियम पर। अभी देखते हैं, अभी हाफ भी नहीं हुआ है कि आगे क्या होता है। और दोनों ही टीमों को पुरस्कार बराबर वितरण किया जाएगा, हारने वाली टीम को भी और जीतने वाली टीम को भी। यहाँ कोई हार जीत नहीं होगी, ये प्यार और मोहब्बत का एक पैगाम देने वाला मैच है। इसके लिए मैं पैगाम इंसानियत के अध्यक्ष सदर जनाब हाजी आसिफ राही को मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इतना खुशनुमा माहौल में इतना अच्छा इस 15 अगस्त में 70वीं वर्षगांठ खत्म होने पर 71वीं शुरू हुई है आज़ादी की वर्षगांठ, उस पर इतना अच्छा प्रोग्राम दिया है जो दूर तक एक मोहब्बत का पैगाम लेकर जाएगा। कादला थाना क्षेत्र के कैराना रोड पर थाना अध्यक्ष उमेश रोरिया ने मुखबिर की सूचना पर मुकीम काला गैंग के सक्रिय सदस्य को चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक और लाखों रुपए के कीमत के टोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार कर लिया। कांदला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एसपी शामली अजयपाल शर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर अपराधी धरपकड़ अभियान के तहत कांदला थाना अध्यक्ष उमेश रोरिया ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान के दौरान एक मुकीम काला गैंग के सदस्य को पकड़ लिया। दरअसल कांदला पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि शातिर अपराधी भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर जा रहा है, जिस पर कांदला पुलिस ने कैराना रोड पर चेकिंग के दौरान मुकीम काला गैंग के सक्रिय सदस्य अनवर उर्फ काला को चोरी की मोटरसाइकिल और लाखों रुपए के नशीले पदार्थ डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार कर लिया। ये जहानपुरे का है अनवर पुत्र लियाकत, जो मुकीम काला गैंग का सक्रिय सदस्य रहा है, जिसको कल चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। किसके कब्जे से डोडा पोस्ट और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। सर एक किलो इसके पास से मिला है, अभी इसको सप्लाई करने जा रहा था और बाकी इस पे लगभग एक दर्जन मुकदमे हैं, जो माल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग कीमत 1,00,000 रुपये। आवास विकास में आशियाने की चाह में बेघर महिला अपने पोते के साथ दर दर की ठोकरे खाने के बाद पहुंची सदर तहसील। चाह जिले की प्रभारी बनाई गई प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला से लगाई न्याय की गुहार। मोहल्ला गंगारामपुरा की रहने वाली बेसहारा महिला सुनीता मित्तल आवास के सपने को लेकर दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। सुनीता के पति और अन्य परिजनों की मृत्यु हो चुकी है, अब उसके साथ उसका 6 साल का पोता रहता है। सुनीता ने कई बार आवास के लिए अर्जियां लगाई, लेकिन सरकारी बाधाओं के चलते उसे आवास नहीं मिल सका। बुधवार को सुनीता मित्तल अपनी फरियाद लेकर सदर तहसील पहुंची, जहां उसने प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला को अपनी फरियाद सुनाई। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए जिला प्रभारी ने जिलाधिकारी को समस्या के समाधान के आदेश दिए हैं। 4 साल हो गए वैसे तो बेटे को विद्रोह, सिर्फ आदमी नहीं है, छोटा सा पोता है 4 साल का, 5
छः साल का और बहुत परेशान मिली है। अब आगे बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा, सारे काम तैयार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइल तैयार है, कागज भी आ गए डाक द्वारा, कह रहे कि आप अपना मकान ग्रहण करो। 3 महीने हो गए मकान इसे रसीद को भी आए आवास विकास में, कोई सहारा नहीं है रहने के लिए, घर नहीं लिफाफे बना बना कर गुजर। बात हुई सब ये कह रहे हैं, कहते रहे कि इनको नहीं जल्दी होगा काम तुम्हारा जल्दी होगा। अब ये जो डाक द्वारा कागज आ 2 महीने हो गए इसे, तहसील डीएम साहब ने कहा कि 1 हफ्ते बाद आ जाओ आपका काम होगा। 1 हफ्ते बाद गई तो डीएम साहब ने मिले, फिर दोबारा गए 3-4 बार जा चुके, नखलाऊ जाए पाए मीटिंग में जाए पाए, उन्होंने ये कहा कि आपका काम जल्दी होगा डीएम साहब से मिले। मुजफ्फरनगर जिले की प्रभारी बनाई गई प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने सदर तहसील का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें मेरी खामियों को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए। मुजफ्फरनगर जिले की प्रभारी बनाई गई प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला द्वारा सदर तहसील का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने सदर तहसील की सभी विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों के रिकॉर्ड्स की गहनतापूर्वक जाँच की और साथ ही संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। जांच के बाद मिली खामियों को जल्द से जल्द सुधारने के आदेश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑनलाइन पद्धति की भी अधिकारियों से जानकारी ली, वहीं सदर तहसील में आए लोगों से भी समस्याओं की जानकारी ली। खामियां तो कोई विशेष अभी नहीं दिखी और कोई भी तहसील का निरीक्षण कोशिश को प्रयास किया कि अच्छी तरह करें, पर इसमें अभी कहीं ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएं तो करें, पर प्रथम दृष्टया ठीक लग रहा था। कुछ जगह थोड़ी सफाई की कमी थी, सफाई की ज़रूरत थी, कुछ फर्नीचर पुराना था, कुछ रिकॉर्ड रूम में कुछ चीज़ें थोड़ी सी और ठीक करने की थी, जैसे वायरिंग पुरानी है और वहाँ पे फायर सेफ्टी का एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसी तरह उपने बंद कार्यालय में भी इस तरीके का था। बाकी तो अच्छा है, यहाँ पे काम जो है पेंडेंसी नहीं दिख रही थी। पर्टिकुलर केस या एक स्पेशल केस आप इस तरह से बोलेंगे तो कोई मेरे पास रिकॉर्ड तो है नहीं। नहीं, मैं यहाँ पे तहसील दिवस में 10 बजे से 2 बजे 4 घंटा बैठी हूँ, उसके बाद 3 घंटे से निरीक्षण कर रही हूँ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप कील मुहासे, दाग धब्बे, कोरापन और झाइयों से परेशान हैं? आप चाहती हैं सुंदर और कोमल त्वचा? होली इंडिया रेमेडाइज का नया प्रोडक्ट स्किन ग्लो शाइन क्रीम, अब हटाइए अन्य प्रोडक्ट और ले आइए स्किन ग्लो शाइन क्रीम। इसके नियमित प्रयोग से पाएं सुंदर और कोमल त्वचा। स्टॉकिस्ट गोस्वामी फार्मा, जिला परिषद मार्केट मुजफ्फरनगर, मोबाइल नंबर 9897306892। सुधा मेडिकल्स, जिला परिषद मार्केट मुजफ्फरनगर 9319806131। स्किन ग्लो शाइन क्रीम, ए होली इंडिया रेमेडाइज प्रोडक्ट। किचन सेट, माइक्रोवेव और बहुत कुछ, होम एप्लीकेशंस का पूरा संसार। दशहरा हो या दिवाली हो, घर की क्रॉकरी में नंबर 1 अजेलिया क्रॉकरी। इंपोर्टेड क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस एवं गिफ्ट सेंटर अजेलिया क्रॉकरी, गुदरी बाजार, भगत सिंह रोड, मुजफ्फरनगर। अजेलिया क्रॉकरीज। हाय, दिस इज नटखट परी फ्रॉम बालवीर फ्रॉम सब टीवी एंड यू आर वाचिंग सिटी हलचल, खबर जरा हटके। हाय, मैं हूँ परेश गणात्रा और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं सिटी हलचल पे, बड़ा ही आतंक वाला चैनल है भाई, मजा लीजिए। हाय, मैं हूँ कुणाल गांजा वाला और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय,
हाय, मैं हूँ आमिर अली और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। हाय, मैं हूँ शक्ति मोहन, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूँ संजीदा शेख और आप देख रहे हैं मुझे सिटी हलचल में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रताप फौजदार। अरे लाफ्टर चैंपियन, आप हंसते हो कि नहीं हंसते हो? आप देख रहे हैं सिटी हलचल, खबर जरा हटके। आपके अपने जनपद मुजफ्फरनगर का एकमात्र मोबाइल एक्सेसरीज एवं म्यूजिक सिस्टम का भव्य एवं विश्वसनीय शोरूम मैक्स कम्युनिकेशन, जो आपकी कसौटी पर पिछले कई वर्षों से उतर रहा है खरा। मैक्स कम्युनिकेशन पर आपको कैशलेस सुविधा के साथ सभी कंपनीज के मोबाइल फोन के फैंसी कवर्स, ब्यूटीफुल डायमंड कवर्स, ओरिजिनल ब्रांडेड एक्सेसरीज, ब्लूटूथ, पावर बैंक, चार्जर, हैंड फ्री, सेल्फी स्टिक, स्क्रीन गार्ड, टेम्पर ग्लास, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, लैपटॉप लैमिनेशन, मोबाइल फोन लैमिनेशन विद फोटो, हेडफोन्स, म्यूजिक सिस्टम, पोर्टेबल स्पीकर्स, फिलिप्स, एफएमजी, आईबॉल, इंटेक्स, मिताशी। आपका अपना मैक्स कम्युनिकेशन शोरूम, प्रोप्राइटर हर्ष गुलाटी, 7 गोल मार्केट, निकट शिव चौक, मुजफ्फरनगर। कॉन्टैक्ट नंबर 01312635555। Hi, this is Simran and you're watching City Halchal, खबर जरा हटके। Hi, मैं हूँ बख्तियार ईरानी और आप देख रहे हैं City Halchal, खबर जरा हटकर। Hi, मैं हूँ तनाज ईरानी और आप देख रहे हैं City Halchal, खबर जरा हटके। Hi, this is Panchali and you're watching City Halchal. Hi, मैं राकेश बेदी हूँ और आप देख रहे हैं City Halchal. नमस्कार, मैं हूँ सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं City Halchal, खबर जरा हटकर। हाय, मैं हूँ रेमो डिसूजा और आप देख रहे हैं City Halchal, खबर जरा हटकर। हाय, दिस इज नीलिमा अजीम एंड यू आर वाचिंग City Halchal. हाय, दिस इज निकिता निगम एंड यू आर वाचिंग City Halchal, खबर जरा हटके। हाय, दिस इज कायना तरोरा एंड यू आर वाचिंग City Halchal, खबर जरा हटके। नमस्कार, मैं हूँ उदिता गोस्वामी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन City Halchal. हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की धरोहर कंचनतारा, साड़ी सूट लहंगों का भव्य शोरूम शिव चौक मुजफ्फरनगर, कंचनतारा, जहां से होती है फैशन की शुरुआत। मुसलमानों को यह जानना जरूरी है कि तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता तालीम के मैदान से होकर गुजरता है। पढ़ लिख कर देश के लिए करके कुछ दिखाना है। कॉस्टेस पब्लिक स्कूल हमारा, हमें बड़ा प्यारा लगता है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भी हमें टीचर पढ़ाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इंग्लिश, मैथ और साइंस के साथ साथ उर्दू, दरस कुरान और दीनियात की तालीम भी दी जाए, जहां लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग का इंतजाम है? सो वाई वेट, प्लीज कम टू गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिकग्नाइज बाय द यूपी गवर्नमेंट। आपके बच्चों की बेहतर तालीम का वाहिद मरकज गॉड्स ग्रेस पब्लिक स्कूल, बजेड़ी रोड, सरवट, मुजफ्फरनगर, यूपी। Thank you.
है और जुनून है, हर जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना, मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है, हर जज्बा है चिंगारी, सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है, ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिले पीछे हम हैं, आगे हमसे सारा जहां, जहां देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसालें देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अपर परिवहन आयुक्त एवं अपर परिवहन आयुक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद प्रसन्नता जाहिर की। बुधवार को अपर परिवहन आयुक्त गंगापाल और अपर परिवहन आयुक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने एआरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ डीटीसी मेरठ संजय माथुर, आरटीओ सहारनपुर ए के गुप्ता और के डी सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के विभागों का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर बारीकी से जांच की, जिसमें उन्हें सब कुछ सही मिला। वहीं कुछ छोटी खामियों पर सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने एआरटीओ प्रशासन राजीव कुमार बंसल की खूब प्रशंसा की, क्योंकि इस माह में रेवेन्यू का 61% हिस्सा पहले ही वसूल कर लिया गया था, जो कि आधे माह से पहले ही था। ये हिस्सा 3,45,00,000 रेवेन्यू का है। मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी है ऑफिस के, जो कि बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है, जगह की कमी है, और इधर ट्रांसफर का सीजन है, तो कुछ अधिकारी ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ ट्रांसफर होकर के आ रहे हैं, तो कोई ऐसा अभी तो हमको अभी दो तीन घंटे अभी और रहना है यहाँ, तो अभी ऐसा कोई फैक्चुअल कोई डिफिशियंसी नहीं नज़र आई कि आज हमारे ऑफिस का जो इंस्पेक्शन किया गया, उसमें मेन रूप से उनके साथ मेरठ जोन डीटीसी, हमारे आरटीओ दोनों सहारनपुर के श्री ए के गुप्ता और श्री के डी सिंह साहब विशेष रूप से उपस्थित थे, और उनके अलावा ऑफिस में मैं और हमारे पीटीओ भी मौजूद थे। आज मैडम के साथ अपर परिवहन आए थे और ऑफिस के निरीक्षण के लिए उनको कहा गया था। सर्वप्रथम तो उन्होंने ऑफिस में आके जो ऑफिस के अधिकारी हैं उनका नाम बोर्ड पर डिस्प्ले है नहीं है, उनके मोबाइल नंबर डिस्प्ले है उसको चेक किया। फिर उसके बाद जो ऑफिस में लाइसेंस की फ़ीस निर्धारित की गई है उसका एक डिस्प्ले बाहर लगाया गया है, उसको चेक किया गया उनके द्वारा, और इसी तरीके से जो वाहनों का रजिस्ट्रेशन का टैक्स किस दर से लिया जाएगा, क्या उसकी फ़ीस है, उसका डिस्प्ले उनके द्वारा चेक किया गया, वो उनके द्वारा चेक करने पर सही पाया गया। उसके तदोपरांत उन्होंने ऑफिस में बैठ के ऑफिस की पत्रावलियों का निरीक्षण किया, उसमें कुछ और कुछ रजिस्ट्रेशन की पत्रावलियाँ चेक, रजिस्ट्रेशन की पत्रावली में मेन रूप से जो कुछ में हेलमेट का बिल लगाना होता है, वो बिल लगाए नहीं लगाए वो उनके द्वारा चेक किया गया। सही फाइल में फिटनेस की फाइलों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश हैं उनके द्वारा, और उसमें पॉल्यूशन और इंश्योरेंस के पेपर लगे रहने चाहिए, उनके द्वारा वो चेक किए गए, वो भी सभी फाइलों में उनके द्वारा सही पाए गए। बिल्कुल कार्यालय द्वारा अभी रात 2-3 बजे का अभियान चलाया गया था, जिसके बारे में सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।
जिसमें सभी जितने भी करने के बाहर बैठे थे तरल सभी को जिस तरह और वो इसकी समावेश रोज की होती है कि कोई तरल वहाँ बैठने नहीं दिया जाता, अगर एक तरल बैठने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता है। जिले में भ्रमण पर आई प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने सदर तहसील में वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने जिले में वृक्षारोपण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बुधवार को प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला मुजफ्फरनगर दौरे के लिए पहुंची, जहां उन्होंने सदर तहसील में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस में भी भाग लिया। इसके बाद उन्होंने सदर तहसील में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें आराधना शुक्ला, जिलाधिकारी कोरी शंकर प्रियदर्शी, SSP अनंत देव तिवारी, SDM शीतल प्रसाद गुप्ता सहित सभी अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण किया। वहीं प्रमुख सचिव परिवहन आराधना शुक्ला ने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराएं ताकि वातावरण को शुद्ध किया जा सके। कस्बा कानलव के मोहल्ला खैल में बने सरकारी अस्पताल के कमरों में फैली गंदगी से परेशान कस्बे वासियों ने प्रदर्शन करते हुए DM शामली से समस्या के समाधान की मांग की है। अस्पताल के कमरों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस गंदगी से कई कस्बे वासी काफी परेशान रहते हैं, जिसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई हल नहीं हो पाया, जिसके विरोध में कस्बेवासियों ने कस्बा कानला में विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी शामली से समस्या के समाधान की मांग की है। ये सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर है सर, यहाँ पे सर जो लिखित में हम देखते हैं ना, लिख के सर दिया गया है पहले, इस पर कानूनी कार्रवाई सर कोई नहीं होती सर, बिल्कुल भी। बहुत एप्लीकेशन जा चुकी सर यहाँ से और बच्चे बीमार रहने लगे है, बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ चुकी है, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। ये सर करीबन ऐसे हो गए 15-20 साल से ही रह रहे हैं। अच्छा, ये फिलहाल कंडम हो चुके हैं सर क्वार्टर के लिए। कितने क्वार्टर है सर? सात फैमिली सर यहाँ पर रह रही है। किराया नहीं दे रहा सर, किसी का कोई अमाउंट नहीं, चेक कुछ नहीं कट रहा सर, बस अपनी मर्जी से रह रहे हैं सर। कलर सर खराब है, कभी भी गिर सकता, किसी का कोई सर वो नहीं है मान। सर कई बार एप्लीकेशन लिख कर दे चुके हैं सर। SSP अनंत देव तिवारी के निर्देशन में पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसती जा रही है, जिसके चलते मंसूरपुर पुलिस ने मफरूर चल रहे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वही चांसठ पुलिस ने भी 3 अपराधियों पर NSA की कार्रवाई अमल में लाई है। पुलिस लाइन सभागार में SSP अनंत देव तिवारी ने दोनों मामले का जानकारी दी। इन दिनों मुजफ्फरनगर पुलिस अपराधियों पर किसी भी प्रकार की कोताही बरतने को तैयार नहीं है। SSP अनंत देव तिवारी के आदेशों पर मंसूरपुर थाना अध्यक्ष KPS चाहल ने हत्या के मामले में मफरूर चल रहे बदमाश अनिल को तलाशी अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया, जिसे मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। कृष्णापुरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया। स्वतंत्रता दिवस पर सभी जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी के तहत मोहल्ला कृष्णापुरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर भी ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता सैनी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, यहाँ के जो मैडम है रीता मैडम, इनका जो है सराहना करनी पड़ेगी इनकी, जैसा प्रोग्राम पहली बार ऐसा गया है, पहले भी आगे लेकिन अच्छा प्रोग्राम गया, बच्चों को काफी उत्साहित हो गया, बच्चों के कार्यक्रम बहुत अच्छे थे देखने के, अच्छे उनका बहुत राष्ट्रीय गान वगैरह सब झंडा फहरा गया ये कृष्णापुरी में रीता सैनी के गेंद पर। भोपारोड स्थित SD डिग्री कॉलेज में ABVP द्वारा सांध्यकालीन कक्षाएं प्रारंभ करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, एक ज्ञापन भी प्रधानाचार्य को सौंपा गया। भोपारोड स्थित SD डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक ज्ञापन प्रधानाचार्य को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जो छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए हैं, उनके लिए सांध्यकालीन कक्षाएं चलाकर प्रवेश की व्यवस्था की जाए, ताकि छात्र छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो सके। आज हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर संध्याकालीन कक्षाएं नहीं चलाई जा रही हैं, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और प्रधानाचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर कुछ छात्र ऐसे हैं जो इस बार इंटर पास करके आए हैं या BSc पास करके आए, जिनका MSc में एडमिशन नहीं हो रहा है, और बहुत से छात्र प्रवेश से वंचित रह गए हैं, जिनका भविष्य अंधकार में है। अगर संध्याकालीन कक्षाएँ चला दी जाती हैं तो उनका भविष्य अंधकार में नहीं जाएगा, उनको भी आगे भविष्य में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, अवसर प्राप्त होगा, भविष्य में अपना निर्माण कर सकेंगे, इसलिए संध्याकालीन कक्षाओं की हमने मांग की है। और प्रधानाचार्य महोदय ने हमें पूर्ण सहयोग दिया है, उन्होंने कहा है कि संध्याकालीन कक्षाओं के लिए हम पूर्ण रूप से कुलपति महोदय से बात करेंगे और इस संध्याकालीन कक्षाओं को आरम्भ किया जाएगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो ABVP के सभी कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कस्बा चरथावल में शिक्षण संस्थाओं और स्कूलों द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा हाथों में तिरंगे लेकर भारत माता के जय नारे लगाए गए। कस्बा चरथावल में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कई स्कूलों द्वारा संयुक्त रूप से रैली निकाली गई। यह रैली कस्बे के मुख्य चौराहों से होकर गुजरी। रैली में कई बैंड और झांकियां भी शामिल हुई, जिसमें कई झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं स्कूली बच्चों ने भी हाथों में तिरंगे लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए।
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी हलचल की पूरी टीम को इजाजत। देखते रहिए सिटी हलचल, खबर सराहट कर।